हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका एक नया रिक्रूटमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश हुआ है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से नया अपडेट निकल के आया, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इसी के ऊपर। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जहाँ पे 7,600 से 1,00,000 तक सैलरी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे एक एक जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन करना चाहते, एक एक जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हो, तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा आप लोग अगर एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट निकल के आया है, जहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट बैचलर डिग्री इन साइंस एग्रीकल्चर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर कोई कैंडिडेट एग्रीकल्चर साइंस या साइंस डिपार्टमेंट से बैचलर कंप्लीट कर चुके तो वो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर लेके क्वालिफाइड है वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस की अगर बात किया जाए, 2 से 3 ईयर्स के जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। इसके बाद आप लोगों को एक एक जानकारी और क्या आया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो अभी अपडेट निकल के आया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे मैक्सिमम कोई कैंडिडेट 56 ईयर्स तक यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। 56 ईयर्स तक मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एज रिडक्शन भी मिलेगा, जैसे कि एडुकेशन SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स तक। इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा, एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन में ही करना होगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर आप चाहते हो वहां से एप्लीकेशन कर सकते हो। एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका यहाँ पर ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन में एक फॉर्म जो है फिलअप करना होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फास्ट में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ। इसके साथ साथ अगर कोई कैंडिडेट रिटायर है जो कि गवर्नमेंट सर्विस से, वो लोग यहाँ पे उसको दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद वेदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर सेटिस्फाइड, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो वो दे सकते हो। एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और इसके साथ साथ सब कुछ यहाँ पर फॉर्म को सही तरीके से फिलअप करना होगा, फिलअप करके आपको भेजना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात किया जाए तो हर एक कैंडिडेट के जो है इंटरव्यू के ऊपर बेस करके सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट को और एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली अगर आप लोग चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉर्म को फिलअप करके उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स दे के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में जाके आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। एक बहुत बड़ी अपडेट है, अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है डेफिनेटली आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर आप चाहते हो अभी के अभी जो है जाके एप्लीकेशन भेज सकते हो। आज के लिए यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ अगर वीडियो। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए इस वीडियो के रिलेटेड डेफिनेटली कॉमेंट कीजिएगा, मैं उस कॉमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।